खरगोन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पकड़ी गई करोड़ों रुपयों की जब्त अवैध शराब का शनिवार को डाबरिया फालिया स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड परिसर में नष्टीकरण किया गया। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ट्रकों के जरिए से शराब पहुंचती रही। यहां मौजूद अफसरों का इशारा मिलते ही रोलर शराब की बोतलों पर चलने लगा। खुली मैदान में हुई नष्टीकरण की कार्यवाही से चलते कई राहगीर शराब की महक से मैदान की ओर खींचे चले आए। सहायक आयुक्त अभिषेक तिवारी के मुताबिक नष्ट की गई शराब पिछले कई वर्षों से जब्त की गई थी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। खरगोन जिले में आबकारी और पुलिस के कुल 453 प्रकरण ऐसे जो कि 15 से 18 वर्ष पुराने हैं, न्यायालय में जिनका निर्णय हो चुका है और अपील अवधि बीत चुकी है, ऐसे प्रकरणों का कलेक्टर महोदय द्वारा गठित समिति के सामने नष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है और इनमें लगभग 453 प्रकरण हैं और 33,000 के लगभग मदिरा है, लीटर मदिरा है और जिसका बाजार मूल्य आज की तारीख में 90 लाख रुपए के लगभग है, उनका नष्टीकरण यहाँ पे किया जा रहा है। कहाँ कहाँ ये आप समस्त खरगोन जिले के जो आबकारी के सर्कल्स हैं वहाँ के मुद्देमाल हैं और 5 थाने पुलिस थाने हैं उनका भी मुद्देमाल है, बड़वा, कसरावत, खरगोन, मंडलेश्वर, महेश्वर। टोटल कितने केस होंगे? टोटल 453 की प्रकरण है। कितने समय से ये 15 से 18 वर्ष पुराने प्रकरण हैं जिनका नष्टीकरण यहाँ किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।